नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनन टीवी इंडिया। मैं हूं सरोज मेहता। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ फ्लोरिडा के लेक मैरी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एजाज तनवीर साहब, हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। एजाज तनवीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनन टीवी इंडिया पर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर जी, थैंक यू। यार सो जी, कंडीशन सच में एज कम्पेयर टू ऑल ओवर आप वर्ल्ड। फ्लोरिडा में हैं, आप लेक मैरी जगह में रहते हैं, क्या स्थिति है फ्लोरिडा की? फ्लोरिडा में एज पर द गवर्नर रूल लागू हुआ है लास्ट वीक, दिस वीक से, कि आप 9 o'clock, आफ्टर 9 यू कैन गो आउटसाइड। और आपको इसेंशियल थिंग्स लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर द ग्रोसरी तभी आपको घर से बाहर निकलना है। अननेसेसरी आपको ऐसे नहीं जो टूर पे कहीं चले जाना है। और फ्लोरिडा इज फेमस फॉर द बीचेस, सो ऑल ओवर थ्री साइड्स ऑफ द ओपन सी। सो जनरली यहाँ पे थोड़ा बढ़ने का वो भी रीजन था कि लोग बीच पे जा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लेकिन जब से गवर्नर का रूल आया तब से वो ऑलमोस्ट बंद हो गया, जिससे बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस फैलना बंद हुआ है यहाँ पे। बट नाउ वी आर इन द फिफ्थ, फ्लोरिडा इज फिफ्थ ओके, जो हाईएस्ट कंफर्म केसेस हैं या उसकी कंफर्म रैंकिंग भी केसेस देखें, हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। और यहाँ पे जो ग्रोसरीज वगैरह हैं, जैसे बड़े बड़े होलसेल सेम्स हो गए, वॉलमार्ट हो गए, और उन्होंने बहुत अच्छा चीज किया है कि उन्होंने होम डिलीवरी ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। कि और फ्लोरिडा इज फेमस फॉर द ओल्ड एज हाउस कह सकते हो, रिटायरमेंट के बाद ओके, यहाँ हाँ, ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं रहने के बिकॉज लिए। वो सराउंडेड बाय ऑलमोस्ट सी साइड, तो सो उनकी एक्चुअली 55+ एज की बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं जिसमें से 55+ एज के हैं, तो उधर भी उन्होंने पूरे ही ब्लॉक कर दिया है कि यू कैन गो आउटसाइड, कैन कम इनसाइड। सो उससे क्या हुआ है कि काफी क्या कंट्रोल उन्होंने कर लिया फ्लोरिडा में उसमें। भी हॉस्पिटल्स अभी फुल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फुल हैं, या अभी फ्लोरिडा में स्थिति थोड़ी बेटर है कंपेयर टू न्यूयॉर्क एंड एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे बहुत राइट ज्यादा नाउ फैला हुआ है? हाँ, फ्लोरिडा में अच्छे हैं अभी तक, कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं और जो इसेंशियल थिंग्स हैं वो भी है। यहाँ पे पता चल जाता है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं, यहाँ हरिकेन और ज़्यादा आते रहते हैं हर साल, कुछ ना कुछ समुद्री तूफान आते हैं जिसके कारण लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं। तो जैसे बात शुरू हुई कि कैलिफोर्निया इज कोरोना वायरस इज इम्पैक्टिंग ऑन द कैलिफोर्निया साइड, तो यहाँ के लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो गए थे। थिंग्स इज दैट यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूज आते हैं, और क्रूज के थ्रू कुछ मरीज आते हैं, जो मेन फ्लोरिडा का जो मेन फोर्ट लेटरडेल एक जगह है जहाँ पे क्रूज ज़्यादा आती हैं, तो वो एरिया ज़्यादा इम्पेक्टेड है। और फ्लोरिडा इज फेमस फॉर डिज्नी, यहाँ पे डिज्नी जो पार्क हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो उन्होंने भी लास्ट ऑलमोस्ट 3 वीक से पूरा लॉकडाउन कर दिया है। अभी काफी दिन हो गए, तकरीबन आप समझ लो कि दिसंबर में तो पता चल गया था दुनिया को, जनवरी फरवरी में तो लोगों ने, जनवरी के आसपास तो लोगों ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए, इतने दिन हुए फ्लोरिडा में, कब तक ये सब चलता रहा, आना जाना, एक्टिविटीज कब तक? आप कह रहे हैं कि अभी कुछ कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले करीबन गवर्नर ने वहां पे लॉकडाउन का कुछ आदेश, पार्शियल लॉकडाउन का कुछ आदेश दिया है, तो क्या अभी तक सब सामान्य जैसा चल रहा था? अभी तक सामान ही चल रहा था, और बोला तो गया था कि आप बीच पे नहीं जाओ, लेकिन फिर भी लोग जा रहे थे, फिर पुलिस एक्शन में आई। बट ये मैं और भी जगह अमेरिका से बात किया है मैंने, तो सब जगह से यही खबरें आ रही हैं कि शुरुआत में, या इनफैक्ट बहुत रिसेंट तक, बहुत केयरलेसली इसको देखा गया, बहुत लाइटली लोगों ने इसको लिया, और इसका नतीजा ये है कि जो रफ्तार है वो काफी तेज हो गई, कंफर्म मरीजों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। आपको पता है यूएस इज वन ऑफ द बिग इकोनॉमिक कंट्री, सो यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उन्होंने तुरंत शटडाउन नहीं किया था, इवन दो लास्ट जब तक गवर्नर का कुछ ऑर्डर नहीं हुआ तो लोग फ्लाई कर ही रहे थे, तो प्रिकॉशन ले रहे थे बट फ्लाई कर रहे थे, जिसके कारण कुछ ज़्यादा ही तेजी के साथ ये स्प्रेड हो गया। बट नाउ सभी को बोल दिया गया है इफ़ यू आर रेडी टू वर्क फ्रॉम होम देन यू कैन वर्क फ्रॉम होम, लाइक जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जो कर अभी सकते भी कोई हैं। कंपल्शन नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, अभी भी ऑफिस जा सकते हैं लोग फ्लोरिडा नहीं में? अब अभी नहीं, अभी उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है लास्ट वीक से कर कि दिया नहीं लास्ट आप बिल्कुल ही, वीक हाँ बिल्कुल ही आप नहीं जा सकते हैं, जैसे कि बाकी रिसेप्शन अमेरिका का पे। क्या हाल है, फ्लोरिडा के बाहर उत्तर अमेरिका के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी मिल रही है, जो आप लगातार
आप वहाँ खबरें देख रहे होंगे, तमाम तरह के न्यूज सोर्सेस से आपको जानकारी मिल रही होगी, इंडिया में भी हमारे खबरों से ही मिलती है, आप वहाँ मौजूद हैं, एक्चुअल सिनारियो क्या है, कैसे एक डेढ़ दो हफ्ते में सिचुएशन एग्रेवेट हुआ है, जरा हमें बताएं थोड़ा सा विस्तार से। हाँ, जो सबसे ज्यादा जो इम्पेक्टेड एरिया है, पहले तो कैलिफोर्निया से शुरू हुआ था। सो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, दीज आर द बिगेस्ट यू नो इकोनॉमिक सेंटर इन यूएस। तो उसमें क्या हुआ कि पहले कैलिफोर्निया में हुआ, लोगों ने सोचा इट्स गोइंग टू बी रिकवर्ड इन कैलिफोर्निया ओनली। सो फिर बट स्टिल दे डिडंट स्टॉप द यू नो फ्लाई और यू नो बिजनेस। सो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट इकोनॉमिक सेंटर, तो वहाँ पे लोग आते जाते रहे। और न्यूयॉर्क इज एवरी डे इफ यू गो ऑन द न्यूयॉर्क इन वन लाइक स्क्वायर देन यू विल फाइंड 1 लाख पीपल इज एवरी टाइम। सो उसके कारण वो काफी स्प्रेड हो गया न्यूयॉर्क में। एज पर द गवर्नमेंट और एज पर द पीपल दे आर सेइंग दैट 7th मे इज गोइंग टू बी वर्स्ट एज कंपेयर यू नो फॉर द कोरोना वायरस। या बट क्यों, क्यों, होपफुली क्या क्या कैलकुलेशन है, क्या कैलकुलेशन है 7th मई का, क्या कैलकुलेशन थोड़ा हमें समझाएं हमारे दर्शकों को। 7th मई का ये है कि जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जैसे अभी तक ऑलमोस्ट 4 लाख पीपल इफेक्टेड यस हो चुके 3,98,000 हैं, से ज्यादा। हाँ राइट। सो जिसमें काफी सीरियस हैं, तो उनका क्या रहता है कि 14 डेज आफ्टर 14 डेज दे आर गोइंग टू बी आइदर रिकवर आइदर दे आर गोइंग टू बी इन वेरी क्रिटिकल स्टेज। सो अकॉर्डिंग टू दोज कैलकुलेशन दे आर थिंकिंग दैट यू नो बिफोर 7th मई विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर द यूएस। सो होपफुली वी आर ऑल सेफ। अमेरिका में मरीजों का आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो आंकड़ा अभी सामने दिख रहा है उसके हिसाब से 3 मार्च को अमेरिका में सिर्फ 118 कंफर्म मरीज थे, 3 मार्च को 118, 20 मार्च को करीबन 20,000 मरीज हो गए, और 1 अप्रैल से मैं आंकड़ा देख रहा हूं, 1 अप्रैल से लेके अभी 7 अप्रैल तक का आंकड़ा मेरे पास है, तकरीबन लगातार 1 अप्रैल से 30,000 35,000 हर रोज की बढ़ोतरी कंफर्म मरीजों का इस तरह से हो रहा है। 1 अप्रैल को 2,13,000 था, बढ़ के 2,43,000 हो गया, 3 अप्रैल को 2,75,000 था, 4 अप्रैल को 3,08,000 हो गया, 5 अप्रैल को 3,37,000 हो गया, 6 अप्रैल को 3,66,000 हो गया, आज जब हम बात कर रहे हैं तो करीबन 3,98,000 का आंकड़ा। एजाज साहब, 3,98,000 का आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है, 4 लाख होने वाला है। अभी कुछ इस तरह की खबरें भी मैंने अभी न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि वहां एक बीमार बुजुर्ग को हॉस्पिटल के इमरजेंसी टीम आई, उनको लेकर गई, और उसके बाद जब उनके घर वालों ने फॉलो किया तो ट्रेस ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ रख दिया। किस तरह का केओटिक सिचुएशन न्यूयॉर्क में है, ये क्वींस इलाके का मामला है, कि घर से ले गए मरीज को और किस हॉस्पिटल में रखा, किस वार्ड में एडमिट है वहां पता ही नहीं है। घर में जिस हॉस्पिटल के बारे में बता के लेके गए थे कि वहां एडमिट करेंगे, वहां वो महिला नहीं है। अब ये अलग से नया प्रॉब्लम घर वालों के लिए हो गया है कि इस हाल में वो कहाँ जाएं, कैसे ढूंढे अपने रिश्तेदार को। बुजुर्ग महिला है, उसके ग्रैंड मदर है वो, जिसने ये खबर मीडिया को दी है। इस तरह के हालात हैं, कितना कितना सिचुएशन खराब हो चुका है वहां पे नॉर्थ इलाके में। न्यूयॉर्क में सच में काफी सिचुएशन खराब है। वहाँ पे उन्होंने पार्क में भी हॉस्पिटल, 10 लाख हॉस्पिटल शुरू किया है उन्होंने, क्योंकि हॉस्पिटल जो मेन हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट फुल है। तो इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट 1,500 के लगभग नया ओपन फील्ड में उन्होंने टेम्प्ररी हॉस्पिटल शुरू किया है। सो इस केस में वही हो रहा है कि they are because they know that one of that hospital, right? So they, with the name of them, they are you know recovering the people, and then उसके बाद वहाँ से record बना के वो लोग अपना जहाँ पे छोटे मोटे hospitals हैं या फिर temporary hospital बना हुआ है वहाँ पे वो लोग refer कर रहे हैं वहाँ पे। Doctors infected हो रहे हैं, doctors infected हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी doctor infected हो रहे हैं, यहाँ पे भी you know क्योंकि हमारे नेबर में भी हैं जो डॉक्टर्स और यू नो कंपाउंडर्स जो बोलते हैं इंडिया में, सो दे आर आल्सो यू नो इंपैक्टेड। भारतीय लोगों को क्या हाल है, कुछ जानकारी मिल रही है? अभी रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे थे कि केरल के कुछ लोगों की मौत हुई है, करीब 5 भारतीय हैं मरने वालों में, अमेरिका में जो मौत हुई उसमें केरल के 5 लोग हैं, ऐसी खबरें आ रही है, ज्यादा रिपोर्ट तो नहीं है। आपको कुछ उस तरह की जानकारी मिल रही है? भारतीयों में भी कुछ कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं?
हाँ, भारतीय में भी हुए हैं, जो आपने बोला है वो सही है, वो सही रिपोर्ट है कि, और यहाँ पे एक जगह है डेलास में, तो वहाँ पे लोगों ने, एक फैमिली थी उसमें कुछ ओल्ड एज भी थे, और उनके लड़के वहाँ कहीं दूसरे कंट्री से आए यूके घूम के, उनको वायरस था, तो उसके थ्रू उनकी पूरी फैमिली में फैल गई, तो जो ओल्ड एज थे अंकल उनकी तो डेथ हो गई है, बाकी दो दो लोग वो सीरियस कंडीशन में हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही हुआ था, मेरे एक कलीग हैं, तो उनके फ्रेंड का एक पार्टी था न्यूयॉर्क में ही, तो वो लोग गए थे सब लोग, तो हुआ ये कि अब किसी बच्चे ने वोमिटिंग कर दिया, जो जितने भी 150 लोग थे सारों को इफेक्टेड हो गए सारे, तो अच्छा, इसी इसी टाइप से जो उन्होंने ना शुरू से ये वो उसमें अच्छे क्या से, इंडिया ज्यादातर इंडियंस थे उस पार्टी में नहीं एक या फैमिली एक? इंडियन थी, बाकी या बाकी अच्छा, वो तो वो थे एक उस एक पार्टी से सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए ऑलमोस्ट, मतलब मैक्सिमम लोग ऑलमोस्ट उसमें 150 या 150 150 लोग लोग थे, इन्फेक्टेड हो 150 लोग इन्फेक्टेड हो गए। फिर जब उनको पता चला और वो गए टेस्ट सेंटर, तो टेस्ट सेंटर में बोला गया कि या इट्स नो, इंस्टेड ऑफ डूइंग द टेस्टिंग वी नो दैट यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सो गए। वी विल क्वारंटाइन यू। सो हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको एक जा रहे हो आप तो आपको तुरंत ही इमिडिएटली आपको टेस्ट हो रहा है, या ये सिम्टम तो पूछे जा रहे हैं, सिम्टम, या देर इज हाँ सम सिम्टम जब कंडीशंस तक। ऑन दैट इफ, और ऑल्सो देर इज सम कंडीशन लाइक इफ यू आर ट्रेवलिंग समवेयर आउट ऑफ द कंट्री, और इफ समवन इज यू नो टच हु ट्रेवल रिसेंटली आउट ऑफ द या कंट्री, योर ट्रेवल हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। या ट्रेवल हिस्ट्री, बेस्ड ऑन दैट दे आर डूइंग टेस्टिंग, अदरवाइज वो बोलते हैं कि यू हैव टू वेट फॉर 14 डेज एंड देन विल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। तो दोस्तों, भारत में जो लोग हमारा ये चैनल देख रहे हैं, आप ये देखिए कितनी अहम जानकारी है कि एक पार्टी में एक इन्फेक्टेड बच्चे की वजह से करीब 150 लोग इन्फेक्टेड हो गए, उसमें से मैक्सिमम लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो इंडिया में बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप क्राउड ना बनाएं, आप ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, उसके बावजूद मैं देखता हूं कि हर रोज कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है जहां 10 लोग 15 लोग बैठ के कुछ नहीं तो खाली समय ही बिता रहे हैं, तो बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो अपने आप में एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में सरकार काफी गंभीरता से एक्शन दे रही है, देख रही है, इस तरह को सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है। एजाज साहब, आप बताइए, हमारे वहां हैं और इंडिया में जो हालात हैं उसके बारे में आप लोग क्या ऑब्जर्वेशन है? इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अभी कंट्रोल में है, बट जो सिचुएशन यूएस में लोगों ने काफ़ी लाइटली लिया, और वो जैसे पार्टी करते रहे हैं, उनको पता था कि कैलिफोर्निया में सबसे पहले केस आ चुका था, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, जैसे इंडिया की तरह एक लोग हों दो लोग हों, बट नाउ यू नो अभी इंडिया में अगर अभी इस सिचुएशन में वो लोग ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो कि 10 लोग 12 लोग कर रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं रोका तो दैट्स गोइंग टू वेरी वर्स्ट। तो आप लोग किस हाल में हैं वहां पे, आप लोगों को कोई परेशानी? नहीं एक्चुअली जब हुआ यहाँ पे कुछ स्टोर, इंडियन स्टोर सेंटर रहते हैं जहाँ पे इंडियन ग्रोसरी वगैरह मिलते हैं, तो हम लोग को पहले पता चल गया था, क्योंकि जो हमारी ऑफिसेस हैं वो उनमें पहले से उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो जितने भी इंडियंस थे आपस में ग्रुप में बात करके सब जाके अपने ग्रोसरी एटलीस्ट उतना 2 से 3 महीने के लिए आटा दाल चावल लेके आ गए हैं आप सारे। लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, मैं आपसे सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री में हैं, जॉब्स वगैरह को लेकर किस तरह के कंसर्न्स जताए जा रहे हैं? फ्यूचर तो अच्छा नहीं है टू वेरी फ्रैंक, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी डाउन गई है, सो काफ़ी डाउन हो गई इकोनॉमिक, सो अभी तक तो जो भी चल रहे थे बहुत जगह 30% सैलरी डिडक्शन भी हुआ है कि हाँ आपको 6 महीना तक 30% लेस पे करेंगे, और होपफुली कि अगर जल्दी रिकवर नहीं होता है तो फिर रिसेशन का, आप कह सकते हैं कि रिसेशन का आने का चांसेस यहाँ पे काफ़ी है। चलिए जज साहब, आपने हमसे बात की, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं यहाँ। आप लोग भी अच्छे से रहिए, और खासकर इंडियन के लिए मैं मैसेज करना चाहूँगा कि आप चाहे कितने भी खुश हो लो, कुछ भी कर लें, आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि जो यूएस का कंडीशन हुआ उससे साफ पता चल रहा है कि अगर आप घर में नहीं रहते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वर्स्ट फॉर एवरीबॉडी। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश इटली अमेरिका की तरह बिल्कुल उस पीक पर ना जाए, लाखों की संख्या में तादाद ना पहुंचे, तो प्लीज जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एसएनडीटीवी इंडिया के तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप
आज संभलेंगे तो आपका कल संभलेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आपके कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, snntvindia@gmail.com पे आप हमें ये सुझाव भेज सकते हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये भी एक सर्विस है, सर्विस इसलिए कि ये जानकारी जो है ना बहुत अहम जानकारी, इससे जितना फैलाएंगे फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़े, और एजाज तनवीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, वहां रात का वक्त है ये, रात का वक्त ऑलमोस्ट 11 बजने का है, 11 बजने वाले हैं और मैं सुबह अभी अभी यहाँ इंडिया में 8:20 हो रहे हैं, तो देखिए दोनों तरफ से मेहनत हो रही है, यहाँ मैं सुबह उठा हूँ ताकि इनको स्टूडियो में पकड़ सकूँ और वो रात देर तक जाग रहे हैं ताकि आपको जानकारी साझा कर सकें। अजय साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू।